Hello guys, welcome back to my channel. So I am back here again with another video, and topic of the video today is how you can apply for Indigo Airlines. So hum bilkul bhi time waste nahi karenge aur jaldi se seekhenge ki apply kaise karna hai. Sabse pehle hum jayenge Google pe and type karenge careers Indigo ya Indigo careers, either of it. एंड जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको एक पेज खुलेगा और दिखेगा जॉब्स एट इंडिगो. उसमें करेंगे हम टैप और टैप करते से एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा जहां पे हमें कई सारी ओपनिंग्स जो इंडिगो की हैं वो दिख रही हैं. इन फ्लाइट सर्विसेज, कार्गो, इन्फॉर्मेशन, फाइनेंसेस, डिजिटल, एनीथिंग. तो अगर आपको इनमें से भी किसी में अप्लाई करना हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. बट अभी हम सीखेंगे कि हम कैबिन क्रू की वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं. तो हम इन फ्लाइट सर्विसेज पे वापस जाएंगे और कैबिन क्रू एयरबस पे क्लिक करेंगे. क्लिक करते से ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा और वो कहेगा कैबिन क्रू एयरबस, और उसमें आपको दिखेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. गाइस प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना. ध्यान से पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंडिगो अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है. अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप किसी भी राउंड में डिस्क्वालीफाई हो जाएँ. एंड ऑल्सो इंडिगो ने काफ़ी क्लियरली मैंशन किया है कि आपको अपने इंटरव्यू के दिन क्या पहन के आना है, साथ में क्या लेकर आना है और क्या पहन के नहीं आना है. इसीलिए भी मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ ध्यान से आप ये सब रीड करें. ऑल्सो मैंने इस टॉपिक पे एक फुल वीडियो बनाया है 16 मिनट्स का, जिसपे मैंने लिखा है ऑल अबाउट इंडिगो एंड मेकअप एंड नो मेकअप लुक. तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. एंड अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि आपको अप्लाई कैसे करना है. एंड यहाँ पे भी काफ़ी क्लियरली लिखा है कि आपको इंटरव्यू अटेंड करने से पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन, बट उस पर क्लिक करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं इस जॉब के बारे में कि ये जॉब जो है वो कौन सी लोकेशन के लिए है, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर. और इसमें मांगा है एक्सपीरियंस 0 to 3, मतलब कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. और ये कैबिन क्रू की पोजिशन के लिए है और ये 8 तारीख को पोस्ट की गई है. अब हम करेंगे स्क्रॉल अप और लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे और करते से ही एक न्यू पेज आप देख सकते हैं इंडिगो का. एंड यहाँ पे लिखा है लॉग इन टू स्टार्ट, जहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस पोस्ट करेंगे. प्लीज़ आप वो ईमेल एड्रेस डालें जो एक्टिव है और जहाँ पे आप सारे ईमेल्स रिसीव कर सकते हैं. एंड वो करते से ही उसके बाद वो आपसे एक पासवर्ड मांग रहे हैं, डेफिनेटली जो पासवर्ड आपके पास नहीं है. तो हम क्लिक करेंगे फॉरगॉट पासवर्ड पे. एंड अगेन फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते से ही एक नया पेज ओपन होगा जो आपसे एक वर्किंग ईमेल एड्रेस मांगेगा. आप सेम ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, बट वही ईमेल एड्रेस डालेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो चल रहा है, जहाँ पे आप ईमेल्स रिसीव कर सकते हैं. एंड उसके बाद आप क्लिक करेंगे सेंड मी इंस्ट्रक्शंस पे. एंड नाउ यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली जो आपका नोटिफिकेशन है वो चेंज हो चुका है एंड ऊपर से एक ईमेल भी आपको आता हुआ दिख रहा है. सो अब मैं अपने ईमेल बॉक्स पे जाके चेक करूँगी जो कि है रीसेट योर पासवर्ड का ईमेल. चूज़ अ न्यू पासवर्ड पे हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक करते से ही हमारे पास ऑप्शन आएगा एक नया पासवर्ड सेट करने के लिए. न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड, हम दोनों पे ही सेम पासवर्ड डालेंगे. आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, जो भी आपका मन हो. सो हम सेट न्यू पासवर्ड पे टैप करेंगे और टैप करते से एक नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं पासवर्ड अपडेटेड. और अब हम वापस उसी पेज पे जाएंगे जहाँ पे हमें लॉगिन करना था एंड वहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस और हमारा नया पासवर्ड जो हमने अभी जनरेट किया है वो डालेंगे एंड हम करेंगे लॉगिन. लॉगिन करते से ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कहेगा अप्लाई फॉर दिस जॉब. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी हैं एंड ये बेसिक डिटेल्स आपको ऑनेस्टली फिल करनी है. कोई बहुत ट्रिकी चीज़ें उन्होंने नहीं पूछी हैं. आपका नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ऑफ कोर्स आपका वो ईमेल एड्रेस जो चल रहा है,
एक्सपीरियंस नाउ, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे, और मेरे पास है तो ऑब्वियसली मैं अपना एक्सपीरियंस डालूंगी. एंड देन आप अपना वो फ़ोन नंबर देंगे जो अभी चल रहा है. एंड देन यू हैव टू अपलोड योर रिज्यूमे, जो हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और ब्राउज पे, या जैसे भी आप अपलोड करना चाहें वैसे अपलोड करेंगे. एंड ऑब्वियसली मेक श्योर कि आपका जो रिज्यूमे है वो तीन तरीके से ही आप अपलोड कर सकते हैं, डॉक, डॉक्स या PDF फाइल में. एंड देन आप अपनी बेसिक डिटेल्स, जो कि बहुत ही ईजिली फिल की जा सकती हैं, अपना परमानेंट एड्रेस, करंट सिटी, स्टेट एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप फिल करते जाएंगे. गाइज प्लीज़ मेक श्योर कि सारी डिटेल्स आप ऑनेस्टली फिल करें, और वही डिटेल्स फिल करें जो आपके आधार कार्ड या आपके पासपोर्ट पे हैं. ऑल्सो गाइज कुछ कुछ जगहों पे आपको एक स्टार बना हुआ दिखेगा, जहाँ पे वो स्टार हो वो इन्फॉर्मेशन फिल करना ज़रूरी है. एंड जहाँ पे ऑप्शनल लिखा है, जैसे कि ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के आगे लिखा है, वो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो सब फिल करना. एंड आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे. ऑब्वियसली मैंने कुछ क्वेश्चंस बीच में से स्किप कर दिए हैं. एंड देन यू कैन सी यहाँ पे उन्होंने आपसे आपका हाइट और वेट पूछा है, आपके पैन कार्ड के बारे में, आधार कार्ड के बारे में. गाइज प्लीज़ आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, ये सारे क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दें, क्योंकि आपके डेटा में ये परमानेंटली सेव होने वाला है. एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनका आंसर नॉट एप्लीकेबल है, तो आप वहाँ पे NA सिंपली लिख सकते हैं. एंड देन नाउ यू कैन सी यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा है अगर आपका कोई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड इंडिगो के साथ हो तो, या आपका कोई सिबलिंग इंडिगो में जॉब कर रहा हो तो. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा है, इंटरव्यू हिस्ट्री विथ इंडिगो. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन फिल करना ऑप्शनल है, मतलब ज़रूरी नहीं है फिल करना. और मैं भी यही एडवाइस करूँगी कि आप ये इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करें, क्योंकि हो सकता है अगर आप फिल करें और आप ये बताएं कि हमने अभी रिसेंटली कोई इंटरव्यू अटेंड किया है, तो हो सकता है कि इंडिगो आपको इन्विटेशन ना भेजे. और मैं एज अ कैंडिडेट अगर सोचूँ अपने बारे में, तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे एक चांस और मिले. तो मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक चांस और मिले इंडिगो इंटरव्यू में बैठने का, तो ये जो ऑप्शन है ये आप बिल्कुल ही ड्रॉप कर दें, इसको फिल नहीं करें. और उसके बाद आप अपनी बाकी की डिटेल्स फिल करें. एंड डिटेल्स फिल करने के बाद आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा. सारी डिटेल्स ऑनेस्टली फिल करने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद हो सकता है कि आपकी वो सारी डिटेल्स को वापस ऊपर स्क्रॉल अप करके लेके जाए, वहाँ पे जो डिटेल्स आपसे गलती से शायद छूट गई हो, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमसे कभी छूट जाती है. बट ये जो टेक्निकल हेल्प उन्होंने करी है वो काफ़ी अच्छी है. आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा चेक कर सकते हैं. चेक करने के बाद आप अगेन नीचे आएंगे एंड सबमिट एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे. मैं सबमिट करके नहीं दिखा रही हूँ गाइस, क्योंकि अगर मैं सबमिट करूँगी तो मेरे पास भी इन्विटेशन आ जाएगा. सबमिट करने के बाद आपको ऐसा एक ईमेल आएगा जो कहेगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, एंड उसमें एक कोड भी लिखा है जो कि डेफिनेटली मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है, क्योंकि सबका अपना अपना कोड होता है. एंड देन आप वेट करेंगे इनविटेशन के लिए. यस, आपको इनविटेशन के लिए अलग से ईमेल आएगा, एंड उस इनविटेशन पे आपका एक अलग सा कोड होगा, जो इनविटेशन कोड आपको संभाल के रखना है, और इंटरव्यू पे जाते टाइम आपको वो इनविटेशन का प्रिंट आउट साथ में लेके जाना है. सो गाइज आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू. जस्ट इन केस ये वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ आप ये वीडियो आगे शेयर करें एंड सपोर्ट करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय.